तो सुरगाने शरमावे, आ तो सुरगाने शरमावे, ई पर देव रमण ने आवे, ई रोजस नर नारी गावे, धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी। गाड़ी खराब होगी। हाय राम। ये बात तो घबराने की बात है, है? गाड़ी घोड़ा है, मशीन है, खराब हो जाओ ठीक हो जाओगी। और बे अभी देख, अब दिन निकल वालों ही हो, है? बोर होगी। अगर गाड़ी खराब नहीं होती तो अब तक नहीं तो अपन माता जी का ठाव का नहीं चलता। अब यहाँ कर देख, मंदिर है, अच्छी जगह है, है? तू उठे बैठ और मैं गाँव से कोई मैकेनिक ने लेकर आऊँ, और तेरे ताने खानो भी तो लानो है। मार तो उपवास है। उपवास है माता जी को। ठीक है ठीक है, बैठ ठे मंदिर के ना बैठ, और मैं अभी जाऊं हूं और मैकेनिक ने लेकर आऊंगा, है? गांव में कोई गाड़ी ठीक करनी हो, मैकेनिक मिलेगा के? सारा गांव ने पूछ कर आए हूं, कोई जवाब ही कौन दे। टाबर टोली मंदिर में बैठे थोड़ा दुख पाव है। भाई जी, मैं था नहीं पूछ रही हूं, लागे है गूंगा बेरा का गांव में आगो। अरे तू भी गूंगो बेरो ही है के? गूंगा बेरा होगा तू, तेरा बाप, तेरा पूरा खानदान। मैं क्यों आऊं? फिर पाछे जवाब क्यों कौन दियो? बिना मतलब तो जवाब को अपने बाप को न दे। पीछे तू परदेसी, बे मतलब अपने मुंडा को क्यों तकलीफ दे? ना ना, बिल्कुल ही तकलीफ मना दे, हैं? यहाँ पसरियोड़ो पड़ियो रे मतीरा की बेल की जिया। ले बस रहूं, तारे बाप को क्या जावे? क्यों कौन जावे, ट्रक में जाओ लो किलो के भाव। कमाल है आलसी तो देखे अपन, सारा ही गांव के नीचे नीचे मुंडा से बोलते ही तकलीफ हो है। या खाता तो कोनी होती होली तकलीफ? नहीं नहीं, हाँ भैंस को पोठो गोबर। मैं बोलूं संभाल नहीं सके तो टाबरा की फौज क्यों खड़ी करी जाए? कोई कत्ता ही बोलो, कड़िया में जोर होगा वही तो पैदा करेगा ही। तो करो ना जनो, दर्जन आधा दर्जन। और खुद में जोर ना होवे तो? जोर क्या को, शेरनी तो एक ही जने, सी कुकरिया शुक्रिया के जो खिंडावे भिंडावे कोनी। ये कुकरिया शुक्रिया कीने बोलो? अरे खुद तो जवान पे लगाम राखो। पली तू लगा, तेरा मुंडा का तालो
नीची लागे के होवे जको बोलोगो वो तो सुनोगो ही। अरे थामा से कोई मेरी भी सुनेगो के? अरे थारी सुनेगो राम जी। अरे टेम की के कने फालतू बात सुनने के लिए अठा तो टावर जन्ने से ही फुर्सत को नहीं मिले के? ना ताना मारन से मिले। बस करे बंदी लोगा का सामने यू लड़ाई झगड़ा करती वो चौकी लागे के? ना थे चौका लागो चुप चुप करता हुआ। चुप थे चुप रहो तू चुप रहे थे चुप रहो एक दिन तू को जा। अरे बोला थे चुप रहो एक दिन तू तू को नहीं रह सका। नहीं चुप रहो तू थे चुप रहो तू चुप हो जा थे चुप रहो तू छोटी है ना। ना कोई चुप मत रहो लड़ो खूब लड़ो पानी पी पी कर गालियां काटो हैं। वो बोलिया करे ने दो गोदा लड़े और खेत को नाश करे थे भी था का जीवन रूपी खेत को नाश कर लो। चाल भाई छीतर मल मैकेनिक ने देख हैं मैकेनिक के होगो खजानो होगो केरू को और सामने से वंडरिंग एंड थंडरिंग ब्यूटी हीरोइन आ रही है। हीरो हीरोइन को देखता है और जो हीरोइन है वो हीरो को देखती है। दोनों की नजरें टकराती हैं। फिर हाँ हीरो आंख मारता है और हीरोइन का झुमका गिर जाता है। अरे वो क्या गाना था? हाँ झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। अबे ओन यतीम नामे जब गाने में कहाँ घुस रहा है? अबे सिचुएशन में वापस आ फिर क्या आगे क्या होगा? हाँ हीरो को बहाना मिलता है। झुमका ढूंढने के बहाने वो हीरोइन के करीब आ रहा है और करीब आ रहा है और करीब आ रहा है। उनकी आंखें आंखों से टकराती है दिल दिल से मिलते हैं। उसके बाद क्या होगा? अबे ओ यतीम नावेद अपनी अकल का ढक्कन खोल। आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? अरे क्या भाई साहब क्या कर मेरी अकल का बैंड बजा रहा? क्या बात है जी? मैं पूछ रहे हो मेरा झुमका नहीं मिल रहा भाई साहब? झुमका ने तो पूरो बरेली ढूंढ रहे है और जगह भी दूसरा शहर से आवे है ना बरेली में वे पहली आते ही झुमको ही ढूंढे है। बीसों वर्षों से को नहीं मिले थाने 20 सेकंड में खटिया से मिल जैसी। अजी पर मैं तो आप पूछू हूँ ये गांव में कोई मैकेनिक भी मिल सी के? मैकेनिक? वाह क्या आइडिया है। हाँ, मैकेनिक आकर हीरो से कहता है साहब आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक हो गई है। उसके बाद हीरो और हीरोइन दोनों आहिस्ता आहिस्ता अपनी गाड़ी की तरफ चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं। आप भी चलिए ना। यो चलिया साय थे राइटर हो ना? तो बस आई खाऊ हूँ बहुत बेआबरू होकर थारा कूचा समय जा रहा। चल भाई छीतर मल ओ गांव तो सारो नमूना से भरे पड़े। सुनिए 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 इधर आइए थोड़ी देर के बाद फिर मुझे आकर डिस्टर्ब करना। क्या आइडिया दिया है मैकेनिक का वंडरफुल थंडरफुल यंडरफुल। चल हटा भाई लोगो। ए भाई लोगो सुनो होके भाई लोगो। अरे सुनो होके बहरा होके। बहरा है पथारी तो आके देख नहीं रहा खेल में गहरा डूबे है। वो सब तो ठीक है देखो थे लोग यहाँ भला मिनक दिखो हो मैंने सारो दिन होगो दुख पाता मैं थाने पूछ रही हो। ओ भाई जो पूछ रहा है बाहर जाके पूछ है आला नहीं देख नहीं रहा चल फुट 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 चल जा चल चलना यार चल क्या चल यही चल। कमाल है बोले है मैं जुआ का कुआ में गहरा डूब रहा ठाला नहीं हाँ डूबा में तो बीजी लाग ही रिया हो
डूबो ये डूबो गहरा डूबो भाटो बांदर कुआ कमाए ने पड़ो पींदे बैठो चलो कोराई जो को खुद डूबे भी ने तिराव भी कुने ए, ये चाल भाई छेतर ये गांव का सारा कुआ में भांग पड़ी है चुड़िया जापानी घड़िया सुहागन रो सामान नारंगी की दुकान अरे ले लो चूड़िया ले लो चूड़िया सजा लो गोरी कलैया हरी पीली नीली चमकदार सुहागन रो श्रृंगार फिरोजपुर की चूड़िया जापानी घड़िया भाई सुन तो यो नयो भाई कठे सु पैदा हो गयो हाँ भाई सुना तो ये गांव की है के तो तने के लागयो के विलायत सु अठे चूड़िया बेचने आई हूँ नारंगी नाम है मेरो हाँ भाई तू मेरी एक छोटी सी मदद करेगी के मेरी भाण भाण अरे जद भाण बोल दियो है तो मदद छोटी क्यों मांगे है बड़ी मांग अरे गांव में इस कोई भी काम को नहीं जिको नारंगी नहीं कर सके चूड़िया लेनी है के हाँ गांव का काकड़ में जो को मंदिर है ना हाँ हाँ सामान मेरी गाड़ी खराब होगी हाँ वो गाड़ी तो मैं ठीक को नहीं कर सकूं हाँ मत तो ठीक कर सकूं हूँ भाई ये गांव में खटे कोई मैकेनिक भी मिलेगो के मिलेगो हाँ मिलगो कठे अरे गोद में छोरो और नगर ढिंडोरो मतलब यही कि जठे तेरी गाड़ी खराब हुई है ना हाँ पी मंदिर के पीछे ही वो के बोले है मैकेनिक हाँ वो बठही रवे है ये बठही रवे तो कोई ने पूछनो चाहे ना बठे मैं पूछ तो ही तो अठाता नहीं पूछ गो पण भाई ये गांव में कोई न फुर्सत नहीं बताने की से डूबिया रहे क्या मैं हाँ तारो बहुत बहुत धन्यवाद भाई हाँ सारा का सारा निकम्मा और हराम का खाऊ है अब मैं मंदिर के बठे सामान गाड़ी खराब होगी ना बठे जाऊं हूँ अभी मैकेनिक ने लेकर गाड़ी ठीक कराऊं हूँ बहुत बहुत धन्यवाद भाई ये गांव में मिनखा कमाए ना कोई एक मिनक में मिनखा चारों तो निकलियो है मैं जाऊं हूँ हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद अरे सुन अटी न्याओ ने तू भाण बोलियो है ना मैं तने एक राज की बात बताऊं बोल तो बिको नाम धनराज है तू भी ने धनजी बोलेगो ना तो तेरो काम जल्दी पट जावेगो धनजी हाँ धनजी बोलूंगा भाई भैया भी जिकारो तो देनो ही चाहे जने देनो ही चाहे हाँ बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद मैं फिर ओजू मिलांगा भाण भाण अरे चूड़िया ले लो चूड़िया धनराज जी नाम है मेरो ये गांव में आसपास के इलाका में एक ही मैकेनिक हूँ हाँ जी और फिर थे बोलो भी कम हुआ था कि बड़ाई की बात है धनराज जी आ गाड़ी है मेरी ठीक तो हो जाओगी पर 3 दिन लगेगा 3 दिन हाँ 3 दिन मैं आदमी हूँ कोई मशीन नहीं ये गांव में 4 गाड़ियां हैं समझो कौन समझो हाँ। और हर गाड़ी को हर 3rd महीने नंबर आवे ओ। आज तो ठीक 3 दिन बाद में मलसी सराला सीताराम जी की गाड़ी आवेगी समझो कौन समझो हाँ। जब तक आवेगी मैं सारी गाड़ी ठीक करते रहूंगा समझो मैं तो समझ गो लेकिन थे मेरी परेशानी कौन समझा धनराज जी धनराज जी हाँ देखो थे गाड़ी ठीक कर देगा तो मैं माता जी के ठाव पूछ जाऊंगा जात देवण ने धनराज जी के बठे के जात की अदला बदली हो है नहीं जी जात जड़ूला की जात देखो अगर थे गाड़ी ठीक कर देगा जल्दी तो माता जी को आशीर्वाद थाने भी मिलेगा और फिर थे जत्ता पिसा बोलोगा
मैं थाने में पिसा दे दूंगा धनराज जी। अब तेता प्रेम धनराज जी बोल रहे हो और मुंह मांगिया दाम भी दे रहे हो। हाँ तुम तो थारी गाड़ी अब 3 मिनट में ठीक कर दो। 3 मिनट में करो करो ठीक करो धनराज जी। उपवास कर रखे बहुत मुश्किल से गाँव में कोई बतावे ही कौन। ये धनराज जी बहुत अच्छे रह के बहुत ही काबिल आदमी है। देखो जो भाई जी गाड़ी ठीक हो गई था। ठीक होगी। वाह वाह कत्ता काबिल कारीगर होते धनराज जी है। लो जी धनराज जी। अच्छा जय राम जी। जय राम जी की सास। ले चाल चाला माता जी के ठाव है। ठाकुर म्हारा मैं हाटा बरथारा। ऐ ठाकुर म्हारा मैं हाटा बरथारा। ऐ ठाकुर म्हारा मैं हाटा बरथारा। म्हारो मिनकपणो नहीं भूला चंचल मन के मते ना चाला। म्हारा भला कर्म हो सारा। ऐ ठाकुर म्हारा हाटा बरथारा। ऐ ठाकुर म्हारा मैं हाटा बरथारा। ठाकुर म्हारा मैं हाटा बरथारा। ऐ ठाकुर म्हारा मैं हाटा बरथारा। क्या ने राह दिखावा सेवा करा दुखिया की। मेहनत से तकदीरा बदला दुख से भरी दुनिया की। माँ से होवे नहीं बुराई करता रवा सदा ही भलाई। माँ से होवे नहीं बुराई करता रवा सदा ही भलाई। बेसहारा का बन कै सहारा। ऐ ठाकुर म्हारा मैं हाटा बरथारा। ऐ ठाकुर म्हारा मैं हाटा बरथारा। ठाकुर म्हारा मैं हाटा बरथारा। ठाकुर म्हारा।
लिखा हरिटा मन में हरदम राम कृष्ण की छाया। ओ पुजारी हो जावे मारी रोता हुआ ने हसाया। बै फूल की जैया मैं कह तो रोम रोम भरो चैके। बै फूल की जैया मैं कह तो रोम रोम भरो चैके। लागे छट गया सब अंधियारा ऐ ठाकुर मारा में हाटा बरथारा। 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 चल शुक्र मैं जीत गयो। आज तो मैं जुए माला माल हो गया। भगवान अरे भगवान के नाम पे कही दे दे भगवान सारे भले करे। अरे तू 100 साल जिए। हां हां तू 3 दिन से भूखा है, तेरी जान निकल रही है, तेरा बच्चा मर रहा है। अरे शर्म कर, 10 मिनट पहले 5 का नोट दे रहे हो तने। बार बार पैसा मांगता शर्म नहीं आता तने। गलती हुई थी। अरे दो दान दोगा तो भगवान दो दान कल्याण करेगा। गलती हुई थी। भाई जी वो कहीं कर रहे हो थे? आम तो है, देखे को नहीं, मूंगफली खा रहे हो। मूंगफली खा रहे हो? पर आठे तो मूंगफली है ही को नहीं। मैं सोच रहा हूँ मूंगफली खा रहा हूँ तो मूंगफली खा रहा हूँ। अच्छा तो ते सोच रहे हो। क्या बात है। अब देखो थे मूंगफली खा रहे हो हा? थे इतना बड़ा आदमी, थारी इतनी बड़ी काया, थारी इतनी ऊंची माया, फिर थारी सोच छोटी क्यों? नहीं आ तो कोई बात को नहीं हुई ना, सोच भी बड़ी रखो। अब देखो खानी है तो हाथी की लींड की खाओ, बोला ऊंदरा की लींड क्यों कसो पेट भरे? का मतलब? मतलब हो कि ते सोचनो ही है तो मूंगफली के बारे में क्यों सोचो? काजू की सोचो, बादाम की सोचो, किशमिश की सोचो। सच्ची कह रही हो। क्यों सही बात है ना? सोच लियो। सोच लियो ये किशमिश। किशमिश भैया काजू भाई वाह। और यो बादाम। अरे वाह भाई जी, थारी जोड़ी में तो इतना काजू बादाम किशमिश देखकर भाई मारो तो मन चाल गयो। तू भी हाथ मार ले। देखो पण ते नाराज तो नहीं होगा ना? मैं पक्की हाथ मार रहा हूँ। मार ले। पक्की मार लियो। अरे मार ले मार ले। बिल्कुल नाराज नहीं होगा, मैं हाथ मार रहा हूँ। मार ले मेरे बाप। लियो मार लियो। भाई रुक। अरे भाई जी, ओ भाई मैं थक गयो, मारे काजू बादाम भी ठग लियो। ओ भाई ले थारा काजू बादाम की जोड़ी, एक माह से मैं तो थारा सारा काजू बादाम किशमिश ले लियो। पर सावधान, मैं थाने ही घोड़े के पीछे भगा कर थारो थोड़ो सो वजन भी ले लियो। ले लियो? पूछो कहिया कहिया, क्योंकि थारो वजन कम वेगो जना थे तंदुरुस्त हो जाओगा, थे स्मार्ट हो जाओगा, थे चुस्त और फुर्तीला हो जाओगा। अब बीस कहीं वेगो, गांव की जितनी भी सोनी सोनी छोरिया है, जितनी भी बढ़िया बढ़िया छोरिया है, कोई थारे दाएं हाथ, कोई थारे बाएं हाथ, कोई थारे आगे, कोई थारे पाछे, अरे छोरे ही छोरिया। तो है ना तंदुरुस्त रहने का मजा अलग। पर
तो काल से पक्की दौड़नो शुरू, योगा शुरू, वादो ना मेरे से। पक्का वादो। ठीक है फिर मैं चालू, पर ध्यान रख जो भाई, थारो भगवान भलो करे। ले लो ए चूड़िया, सजा लो गोरी कलैया, हरी पीली नीली चमकदार, सुहागन रो सिंगार। ले लो ए चूड़िया, फिरोजपुर की चूड़िया, ले लो। माता जी फिर हड़िया ता उदास क्या खड़े हो? मेरो बेटो फौज में गयो, आयो ही कोनी। बुड्ढी माँ की आंखें पथरा गई, पण बेटा तो नहीं नहीं थे। जी दो रो मत करो, मेरो दिल को विश्वास बोल रहे हैं कि एक न एक दिन थारो बेटो जरूर घरे वापिस आओगो, मेरो विश्वास है। सुनो कौन है? दोनों टाइम की रोटी छेदने को मने ठेको कौन ले रखे हो? अरे एक दम बना भी लेवगी तो तेरा के बिगड़ जाओगो। और थे बना लोगे तो थारो के बिगड़ जाए लो। तबियत नरम है ना? नहीं मारी घोड़ा जिया लागे। तबियत ठीक को नहीं तो जवान क्यों लड़ावे? भीतर जाओ, पड़ जाओ पलंग पर। नहीं थे जाओ लोगों के बीच बुराइयां करने। ए जाऊंगी मैं, कौन रोकेगा मना? चाली मैं। जाओ जाओ हजार बार जाओ पड़ोसियों के बीच, कोई मारो के बिगाड़ लेगो। अबे ओ यतीम नावेद, तेरी खोपड़ी को क्या हो गया? कोई नई कहानी क्यों नहीं सूझ रही? अपनी अकल का ढक्कन खोल बे, कहां से लाऊं नई कहानी? अरे ले लो चूड़िया। अरे ओ नारंगी चूड़ी वाली, आजा आजा बैठ। मैंने एक बात सोची। हाँ? कि तेरे ऊपर अपनी नई कहानी क्यों ना लिख डालूं? हाँ, अरे ऐसी कहानी बनाऊंगा जिसे सुनकर दुनिया नाचेगी, झूमेगी, गाएगी और पता नहीं क्या क्या करेगी। सच्चे? और उस पर एक फिल्म भी बनेगी। फिल्म भी बनेगी? हाँ, वो हिट होगी, सुपर हिट होगी, सारे वर्ल्ड में तेरा नाम होगा और तेरी चूड़िया इंटरनेशनल चूड़िया बन जाएगी और तुझे जगह जगह से चूड़ियों के ऑर्डर आएंगे, लंदन से, अमेरिका से, ईमेल से, फीमेल से, यानी कि तेरी बन जाएगी लाइफ। और उसके बाद पता क्या होगा? क्या होगा? उसके ऊपर मैं गाने भी लिखूंगा, लेकिन गाने में बाद में लिखूंगा, पहले तेरी कहानी कंप्लीट हो जाए। अब जल्दी से तू अपनी कहानी सुना। अजी सुनो नारंगी भैया, बोले बहुत है पर आपनी कहानी कोई ने कोनी सुनावे, थे तो तेरी कहानी सुनाओ। हाँ कहानी तो वही है जो तेरी कहानी है, पहले सुनूंगा तेरी जुबानी फिर उसे लिखूंगा। मैं तो कोनी सुनाओ, गानो सुनाओ गानो। अरे गाना तो इतना हिट लिखा है मैंने। हाँ, सुना कर दिखाओ। चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, देखो देखो टूटना, चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, चूड़ी नहीं ये मेरा दिल। अरे तू जो पाछो आको, तू बट्ठे से भी काम छोड़ कर आको। मैं क्या करूं, मैं तो मेहनत कर रहा था पर सेठिया मैंने निकाल दिया, तो यहां मेरी गलती कोनी? ना ना थारी गलती क्यों ही कोनी, वही होवे ना जिको कबूतर दड़बा में लौट आवे है, तू भी बयाई लौट आगो, या तो मारी किस्मत खोटी है। हे भगवान, ठीक है जा, छीका पर रोटी पड़ी है जाकर खा ले, भूखो होसी। पर तू भी तो भूखी होसी। मेरी चिंता तू क्यों करे है? जाने अगर इतनी चिंता होती तो काम छोड़कर को नहीं आतो। जा। नारंगी ये सब गलती तुम्हारी है, तुम उसे कमा कमा कर खिलाती हो, वो खाता रहता है, अब जिसको हराम की खाने की आदत पड़ जाए वो काम कैसे करेगा, बोलो। ठीक है पर के करूं, मेरो एक ही तो भाई है, बिसु प्रेम भी करूं हूं, बिने डाटू भी हूं, पण के करूं। जान दो मैं तो चूड़ियां बेचने जा रही हूं और थे तारी कहानी लिखो। अरे मेरी कहानी तो लिखाती जा। तो नहीं लिखाऊं? कब लिखाएगी? बाद में।
हमें वाणी का वरदान मिले, वर दे वीणा वादिनी वर दे, या कुंदेंदु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवै सदा वंदिता, सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा, वर दे वीणा वादिनी वर दे, स्वर लय दे कर शाश्वत कर दे, स्वर लय दे कर शाश्वत कर दे, तेरी वीणा जब झनकारे, तेरी वीणा जब झनकारे, तब गायक को नव प्राण मिले, हमें वाणी का वरदान मिले, हमें वाणी। हे भगवान, हे भगवान, अत्तो ही गड़ो फाड़ो, आंको शोक है तो कोई जंगल मजार चिल्लाओ, अट मारो माथो मत दुखाओ। अरे तेरे माथो दुखे तो जा खड़े एस्प्रिन खा ले, डिस्प्रिन खा ले, क्यों एस्प्रो खा ले, मेरी साधना में क्यों विघ्न कह दियो, साधना क्यों खराब कर रहे हो? साधना में तो पाठा पड़ोड़ा है, पहले से ही खराब, ना कहीं खराब करूंगा। सुनिए के भाई जी बा का दुख है, पेट फूटे माथो आयो बड़ो, आपने गानो नहीं आवे तो मेरे से बात करना आयो है। अरे कौन सा गानो चाहे? अरे तो तू क्यों करना है? मैं कहूँ आप इन्हें बंद कर दो, नहीं बस अच्छी बात सुन लगी। अरे तो तू क्यों करना है फालतू खड़े? अब क्या अगर गाया तो मैं देख लूंगा, चार बार गाऊंगा, ले गाऊंगा, गाऊंगा तो कर ले। अरे मैं बड़प्पन को लिहाज कर रहा हूं, मैं कह दूं चलो जा खाऊं, तू मैं बड़प्पन को लिहाज कर रहा हूं। अरे क्या को लिहाज कर रहा हूं, मैं दूंगा बात के करेगा तू के करूं, मैं गाऊंगा चार बार गाऊंगा, कहां से घुंघरू बजाऊंगा, अच्छा नाचूंगा, मैं पुलिस ने बुला ले। अरे तो बुला ले पुलिस ने, जा जा बुला ले, बुला ले जा पुलिस ने, आयो ठे पुलिस बुलाना आरो। से वाणी का वरदान मिले, जा कर ले जो करना कर ले, जा रगड़ रगड़ कर मांजो, अहिया पपोड़िया मत करो, हाथा में मेहंदी नहीं लागेड़ी है। हे राम, जाने वाला तो बह गयो, छाती फूटा रह गयो, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, ले ए विमान। पर आने तो मैं मांग चुकी भोजे, ओ जो मांजता जोर आवे है के, रोटी भी तो चार टाइम तोड़ो हो भोजे, जद्दो को नहीं बोलो कि भोजी एक बार रोटी खा ली, रोटी भी तो दूजी बार मत मांगो। हाँ, बार बार आकर बोलो कि भोजी छोरा खाते थोड़ो सो दूध दे सो कहीं ना, जहर दूंगी जहर। जहर क्यों को नहीं मांगो भोजे, मर बेटा ना थारो क्यों बिगड़े, अब रोनो क्या पर आयो, कोई मर गयो कहीं, छोरा ने तो बाहर देख कर आई, चौक में लौंगड़ा था, खबरदार रोकर मारे घर में कुसुकुन करिया, तो थारो बेटे रो मरियो मुझे खिला। माधव। हाँ। मैं सुनो थारे घर में चोरी हो गई। हाँ यार, कहे बताऊं, माता जी की आखिरी निशानी है, जकेदीनी तिजोरी से बाहर निकालेगी सुनार के चालन का पॉलिश करा से भी नहीं चोर लेगा, कहीं बताऊं यार कौन चोर है कौन नहीं, और कहीं ले जाता तो भी। अरे वही तो है, हमारा भाई साहब को तानपुरो उठा ले जाता, तंबूरो उठा ले जाता, तबलो ले जाता, मूड में फोड़ लेता आपका ले जा, तो मान तो शांति मिल जाती ना कम से कम।
माता जी के निशान लेकर के करम। चोर तो भेड़ो पालनो पड़ती है, ये तो जरूरी है। बहुत खराब बात है, गांव में चोर तूफान मचा रखे हैं सर। बिल्कुल गांव ने हिला के रख दियो। चलो फिर आपा चोर को भेड़ो पाड़ता। चलो फिर चला। अरे मारो पत्तो बड़े यार, इक्का बादशाह मैं भी यार। आ दिखा, चल दिखा दे, किधर दिखा, कहां दिखा, दिखा किधर दिखा। अरे ये मेरा पत्तो बड़े यार, अरे मेरा पत्तो बड़े यार। ए चले, ए चले, पत्तो मेरा बड़े यार। पैसे नहीं, पैसे नहीं लेके चल, मेरे पैसे तो यार बेईमानी करते। लगे आज थारो मुँह ठीक को नहीं। काहे बताओ, आज फिर बड़ा भाई साहब से लड़ाई होगी। पूरी उम्र गाना बजाना में ही बीती है बाकी। अरे मैं खुद क्यों बन सका जिंदगी में, अरे माँ ने कुछ बनन दिया। मारी तो पूरी उम्र यूं ही बीत रही है, मारी जिंदगी में कहीं कौन बचो। मैं हूँ ना। तू है भी कौन ना। अरे जब बड़ा भाई कोई ब्याह को नहीं हो तो छोटा को ब्याह कहीं हो सके। बता। मैं तो एक ही बात जानू हूँ, हर चीज को एक वक्त हुए है, आपके ब्याह को भी एक वक्त निश्चित है। पर मारा बड़ा भाई साहब को ब्याह निश्चित को ना, वह बड़ा गायक बनना को ना, ब्याह करना को ना, तो आपने ब्याह कहीं वसी। बता। हाय 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 ये निगाहें, हाय 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 ये निगाहें, अरे कर दे शराबी जिसे चाहे जिसे चाहे, मैं तो भूल गया। वाह भाई जी वाह, मान के मत थाने, मैं तो गांव वाला से थारी एक ही खूबी के बारे में सुने हो कि थे बढ़िया राइटर हो, पर थे तो बढ़िया गाओ भी हो, यानी सोना पर सुहा गाओ। अरे मारा नाम तो सारा हॉलीवुड और बॉलीवुड भी जाने। क्या बात है, मेरे जैसा राइटर ना आज तक कभी हुआ है और ना कभी होगा। और अब जो मैंने नया सब्जेक्ट बनाया है इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है। मेरी कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, हम लॉन्ग शॉट में दिखाते हैं, एक छोटा सा गांव और सारे गांव में एक छोटी सी लाइट जल रही है। एक गाड़ी आती है, गाड़ी आकर स्टेशन पर रुकती है, एक पैसेंजर एक अजनबी उस गाड़ी से उतरता है, वो देखकर घबरा जाता है। चारों तरफ से इंसान, कोई इंसान नहीं दिखाई देता, कोई हैवान नहीं दिखाई देता, वो घबरा जाता है, ये कहां आ गया मैं। वो बहुत घबरा जाता है, तरह तरह की आवाजें आ रही हैं उसको। तब देखता है एक लालटेन उसके सामने आती है। भाई साहब आपने रामगढ़ जाना है, तो कहता वो लालटेन वाला आदमी उसको लेकर टांगे में बैठाता है। अब टांगा चल रहा है, तरह तरह की आवाजें आ रही, लंगूर की आवाजें, भूत की आवाजें, पायल की आवाजें। पायल किसने पहनी है कोई दिखाई नहीं दे। ऐसा घबरा जाता है, वो कहता है भाई साहब, टांगे वाला पूछता है आप भूत प्रेत में बिलीव करते हैं। तो अजनबी कहता नहीं नहीं आजकल साइंस के जमाने में भूत प्रेत कहां होते हैं। कहते हैं हजूर भूत भी होते हैं, प्रेत भी होते हैं, चुड़ैले भी होती हैं। अचानक वो मुड़कर देखता है तो टांगे वाला गायब, दूसरी तरफ मुड़ता है तो घोड़े गायब, और फिर भी टांगा चल रहा है। चलता चलता एक हवेली के सामने जाकर रुकता है, सुनसान हवेली, एक दरवाजा खुलता है, हवेली का दरवाजा खुलता है। एक औरत जिसकी आधी शक्ल भूत की, आधी चुड़ैल की, इतने बड़े बड़े नाखून, इतने बड़े बड़े,
वो हंसती हुई उस अजनबी की तरफ बढ़ती है। वो अजनबी वहीं गिरकर मर जाता है। और यही है मेरी कहानी मर्डर नंबर 420। क्या बात है भाई जी, वेरी गुड वेरी गुड। आ कहानी तो हिट ही नहीं, सुपर डुपर हिट वेगी। थैंक यू मैं अता दिन पहले खड़े हो भाई जी, मना इतना गुणी आदमी पहले क्यों को नहीं मिला। जद ही मैं सोचू भाई जी कि कुछ ना कुछ मैंने करना ही पड़ेगा थार ताई। चालो को नहीं और दूसरों ने गाड़ियां काटे गए। दीदा बंद करके चलती होगी तू, कब आ रहा जो मेरा दीदा बखाने आया तो मैं थोड़े पानी गिर रही हूं। तो पानी मैं गिर रहा तो सह कौन सुन सका। अरे तू ही सुन देती तो के छोटे बाप की हो जाती ना, थे छोटे बाप का हो जाता। अरे तो मेरो ये मैंने पानी सदाई को नहीं, पानी में पग रखियो नहीं और मेरा चपका चालिया नहीं। आहा बहाना तो थे हजार रखो। तू करती हो सी बहाना तो थे क्या करो हो झूठी नौटंकी। देख हमेशा हमेशा झगड़ा करती रहती है, मैं बड़ी हूँ ना तुझसे, कभी तो सुना कर कोई बड़ी की बात। आप तो हमेशा बड़े का फायदा उठाते हो। तूने दी है कभी आज तक मुझे इज्जत? तो इज्जत ही तो ले रहे हो और क्या कर रहे हो हमेशा है? क्या दी इज्जत, रोज तो मुझे पानी में गिराती है, कभी ये किया कभी वो किया, कभी ये काम कर दो कभी वो कर दो। अरे आप ही आँख खोल के नहीं चलती तो मैं क्या करूँ? मैं तो आँख खोल के चलती हूँ, पर तू चलती है क्या? तू चलने देती है क्या मुझे? चलने देती चलने, हमेशा कुछ ना कुछ बहाना ढूंढते रहते हो बस, सारे दिन झगड़ा झगड़ा झगड़ा। अरे अरे ठीक कर रहे हो? अरे मैं है ना थे आटो। नहीं जी जाबा दो, थे तो रोज ही करो राज ना। तो थे कौन सा कसर छोड़ो हो? ठीक है थे दोनों ही कसर मत छोड़ो। अरे पर मेरी आदत है। क्या की? दूसरा को काम करवागी, क्योंकि दूसरा को काम करवा से अत्तो आत्मा ने शांति और अत्तो सुकून मिले जिको कोई पार को नहीं। अब देखो बाता ही बाता मत आंगनो भी चकाचक होगो ओयो को नहीं। ठीक है मुझे इजाजत दो, जय राम जी की। ना बोले मीनक बनो तो थे बनो ना, बाता करवा में कहीं होवे। बाता क्या की? तू ही बनकर दिखा दे। लो अभी दिखाओ। अरे सुन तो, सुन तो गोदावरी। काही करूं अठिन जाऊं को अठिन जाऊं खाई होयो के काही मसी। अरे जी गाना बजाना से हैरान परेशान तंग वे और अठा आयो चाला मेघा के न चाला बटे थोड़ी शांति मिलसी सुकून मिलसी। पर अठार देखूं तो आ मेघा भी गानो गुनगुना रही है, मन ने बिगोरी है। अरे बाबा मैं तो बस यूं ही गा रही ही। हां यूं ही बेबी यूं ही गाता रहे और हमारी जिंदगी भी यूं ही होगी और मैं यूं ही रोतो रहसी। रोवे थारा दुश्मन, आज के बाद मैं कदी को नहीं गाऊंगी कान पकड़ू। पर मैंने एक बात तो बताओ, थे सारा दिन आपके भाईजी की बात करता रहो ये कोई और भी सपना देखो हो? सपनो सपनो बे देखे जाने नींद आती वे मारी नींद तो मारा भाईजी का गाना बजाना के चक्कर में खत्म होगी। मैं सपनो कहीं देख सकूं बता? मेरी आंखें से मेरी आंखों में डूब जाओ, मैं थाने ले चलूंगी सपना की दुनिया में। सच? बिल्कुल सच। ओ भगवान, अरे भगवान थारो भलो करे, ओ भगवान रे नाम पे कही दे दे। भगवान रे नाम, भगवान रे नाम पर तो मैं प्राण भी दे सका। अरे जीव नहीं चाहे, मैंने तो 100 रुपया दे दे बस 100 रुपया। मारा बच्चा बच्ची तीन दिन तीन दोनों भूखा है, तीन दोनों भूखा है। 100 रुपया? अरे सोनी तो 50 रुपया ही दे दे, दो दोनों भूखा है, दो दोनों भूखा है। माफ करो रुपया तो मेरे पास में बने। अरे 5 रुपया तो दे दे, सुबह कहीं नहीं खा दो, कहीं नहीं खा दो।
माफ करो, इतना रुपया तो। अरे कहीं तो दे ही दो बाबू साहब, कहीं तो दे जाओ। मैं आपने बोलो ना इतना रुपया मार्कन को नहीं, फिर क्यों मेरे पीछे पड़ रहे हो? जेब में तो 5 रुपया नहीं है और 2 पर 80 कर रहे हो जन धनना तार वे। बोल कतरा पाए चावे थारे, बोल कतरा चावे। मार्कन रुपया है? हाँ है, कतरा चावे। 1,000, 2,000, 10,000 बोल झट। अरकन रुपया भी है? हाँ। और थे सकल सूरत से भी कोई बड़ा घर का नजर आओ, थे शादी शुदा हो, सारे बच्चा भी रोस, तो फिर थे योगी धंधो कर रहे हो? थाने शर्म को नहीं भीख मांगता? हर थे भी दिन की कदे सोची हो जब थारा बच्चा न लोग बोलेगा, स्कूल का बच्चा बोलेगा कि बदेख भिखारी का बच्चा जा रहा, थारी लुगाई ने गांव की लुगाई बोलेगी कि बदेख भिखारी की लुगाई जा रही, भिखारी की औरत जा रही, थारे दिल पर कहीं गुजरेगी? ये सोचो थे कभी? पर मो और कोई कर भी तो नहीं सको। अरे बाने बहुत धंधा है। अरे पर धंधा में पूंजी चाहिए, पूंजी। तो पूंजी की बात है। हाँ ठीक है, थे घबराओ मत, मेरे पास में हिस्सो धंधो है जी, मैं पूंजी की आवश्यकता को नहीं। भाई जी कहीं आजकल अपने गांव में चोरियां बहुत हो रही है। चोरी? लेकिन पहले तो कभी चोरी हुई नहीं। मन लगे वो चोर कोई बाहर गांव को चोर है। अरे चोर गांव को हो या बाहर को, चोर चोरी होया करे, इनको पता लगानो पड़ से आखिर ये चोर है कौन। मस्ताना होता है हर खुशी से, हर गम से बेगाना होता है प्यार। लेखक जी राम राम। राम राम जी राम राम। ये थे क्या लिख रहे हो? अरे भाई मैं नई कहानी लिख रहा हूँ, एक रोमांटिक कहानी, वंडरफुलिया, लवलिया, एक्सेलेंटलिया, ऐसी कहानी आज तक किसी ने ना लिखी है ना कोई लिख सकेगा। ऐसा रोमांस, ये कोई लैला मजनू का रोमांस नहीं, ही रांझा का रोमांस नहीं, धर्मिंदर हेमा मालिनी का रोमांस नहीं। जानती हो ये कौन सा रोमांस है? ये रोमांस है देवरानी और जेठानी का। जब देवरानी नई नई घर में आती है, जेठानी उसको बड़ा प्यार करती है, बड़ी उसकी इज्जत करती है, एक दूसरे को गले मिलते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन बीच में वक्त विलन बनकर आ जाता है, दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। लड़ाइयां झगड़े करते 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 जानते हो क्या होता है? फिर सुलह हो जाती है। इसी तरह उनकी जिंदगी बीत रही है, कभी लड़ाई कभी झगड़ा फिर प्यार, लड़ाई झगड़ा प्यार, ऐसे सिलसिला चलता ही रहता है, दोनों की जिंदगी भी चलती ही रहती है। एक दफा क्या होता है, ये जो जेठानी है ना वो बीमार पड़ जाती है, फिर जो देवरानी है उसकी बड़ी सेवा करती है, इतनी सेवा करती है कि जेठानी का मन गदगद हो जाता है, वो इमोशनल हो जाती है, इमोशनल होकर अपनी देवरानी को गले से लगा। I'm sorry, मैं जरा जज्बात में बह गया था। कैसी लगी कहानी? कहानी का अंत चोको को नहीं लगे। क्यों? उसमें क्या गड़बड़ है? अरे मजो तो तब आते हो जब देवरानी बीमार पड़ती हो, जेठानी सेवा करती। ये कौन सा मुश्किल है, कलम मेरे हाथ में है, अभी चेंज कर देता हूँ। अब हम ऐसा कर देते हैं कि जो है देवरानी बीमार पड़ती है और जेठानी उसकी सेवा करती है, और देवरानी भी इसी तरह इमोशनल हो जाती है, दिल में सोचती है मुझसे कितना प्यार करती है, कितनी मोहब्बत करती है, वो जोश में आकर उसे गले लगा लेती है। अरे सॉरी मैं फिर जज्बात में बह गया था। अब कैसी लगी कहानी?
अब मजो आयो कहानी में? मजा आ गया ना? अब मैं जल्दी से घर जाऊं और जेठानी से कहूं कि मैं बीमार पड़ गई हूं। हाँ हाँ हाँ। जब वो मेरी समाज सेवा करेगी वो। वाह वाह वाह, वो तुम्हारी सेवा करेगी तभी मजो आएगा। मजा आएगा, मजा आएगा। अब तुम जाओ बेशक। वैसे मेरी कहानी तो अच्छी लगी ना? बहुत अच्छी लगी। वाह वाह वाह, मजा आ गया। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मेरे को लगता है ये मैं सुभाष गई को स्टोरी सुनाता हूँ जाके। नमस्ते। जी नमस्ते नमस्ते। वाह वाह, कितनी अच्छी कहानी है और उसका इम्पैक्ट देखा। आपको कैसी लगी कहानी बोलिए? 113, 108, 109, 110 संतरा मा बस। संतरा मा बस। नहीं 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 मूलचंद जी, भूल गया। चुस्ती तंदुरुस्ती को राज हसन जगदी ने बताया हो ना। बाया बाया दाया दाया। 110, 111, 112, 113 यही लगातार होगा फेरा। 500 से कम एक भी मत कर, जो पूरा 500 होना चाहिए मचा लियो। 213, 312, 313, 314, 421, 522, 523 संतरा 500 पूरा हो गया भाई। संतरा मन्ने एक बात बताओ, आज तक इसो आदमी देखियो जो सर्वगुण संपन्न होवे? गानो वो जाने, बजानो वो जाने, नाचनो वो जाने, अंग्रेजी वो जाने, हिंदी वो जाने, झाड़ फूक वो जाने, अरे पूजा पाठ वो जाने। इसो आदमी तो कोई जासूस ही हो। हाँ हूँ साची बोल रहा हूँ, इसो आदमी कोई दूसरे देश रो जासूस होवे जो अपने गांव में आके के जासूसी कर रहे है। हाँ मैं साची कह रहा हूँ। जिस दिन मने पूरा सबूत मिले बीस दिन समझो वो गांव के बाहर। कुछ जाहिर कुछ नेहा। वाह वाह। अब मालूम अभी अभी मेरे दिमाग के जोग्राफी पर एक नया प्लाट उभरा। ऐसा प्लाट है जो आज तक किसी ने ना सोचा है ना कुछ सोच सकेगा। सुनाओ सुनाओ, जल्दी सुनाओ। ये कहानी है दो भाइयों जो दोनों एक दूसरे पर जान देते हैं, एक दोनों से बहुत प्यार है एक दूसरे को, अपने दोनों भाई एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तभी उनकी जिंदगी में एक विलन आता है। विलन उन दोनों भाइयों के बीच में गलत फैमिली पैदा कर देता है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है गलत फहमी पैदा कर देता है। दोनों भाई एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाते हैं। दोनों चाहते हैं कि एक दूसरे का मर्डर करते हैं। तभी टर्बल होता है। उसके बाद हमारे हीरो की एंट्री है। मैं हूं जुम 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 जुमरू मकड़ गुमरू बनके गुमरू मैं ये प्यार का गीत। वो प्यार का गीत गाता हुआ आता है। दोनों भाइयों की गलत फैमिली, मेरा मतलब गलत फहमी दूर करता है और दोनों भाई गले मिल जाते हैं। उनको बताता है कि उनकी जिंदगी को बर्बाद करने वाला वो एक कमीना विलन है। उस विलन ने दोनों भाइयों के प्यार का तंबूरा बजाया है। दोनों भाई मिलकर उस विलन का बैंड बजाते हैं और दोनों भाई एक दूसरे के गले मिलते हैं। ये है मेरा प्लॉट, कैसा लगा? आ कोई कहानी है? मैंने तो लागे थे माराधोनी भाई की कहानी नहीं तोड़ मरोड़ और नई कहानी बना दी। अरे तू गधे का गधा ही रहेगा। कहते हैं ना कि गधे को कितना भी साबन लगा लो कभी घोड़ा नहीं बन सकता। अबे तुम्हारी कहानी कहाँ और ये कहानी कहाँ? मेरी कहानी में तो दोनों भाई एंड में गले मिल जाते हैं और तुम दोनों भाई अभी तक लड़ रहे हो। वो इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी में कोई हीरो नहीं आया। मैं तो जाऊं। जाओ जाओ। देखा भाइयों, मेरी कहानी सुनकर ये भाग गया
आप भी भाग जाओ। राम राम भाभी सा। राम राम जी, राम राम। और संत कुमार जी कैसे आओ थे? बस बहुत बढ़िया। थारा का ही हाल है? बस हाल चाल बढ़िया है। भाभी सा, मैं से गुजर रहे हो, मने कुछ अजीब से लगे हो आज। पूरा गांव में एकदम सुनो सुनो, खाली खाली, कोई चहल पहल को नहीं। या काई बात कर रहे हो थे? हाँ, पहली तो जब भी मैं घर में आता तो देवरानी जिठानी की चूड़िया की खन खन, पायल की छम छम और नोक झोंक की आवाज से पूरा वातावरण गूंज उठतो। अब तो बढ़िया लागतो काना ने सुनबा में कि बी की कोई बात ही कोनी, मिसाल ही कौन दे सके। खाने मारी चूड़ियों की खनखना सुनाई देसी, बी के साथ मारी नोक झोंक सुनाई कौन देसी। रही बात नोक झोंक की, तो बा नोक झोंक तो प्यार की भाभी सा, बा कोई लड़ाई थोड़ी है। बै थार से बड़ा है, बै थाने कुछ समझावे तो बढ़िया के खातिर तो समझावे। और हाँ, थाने बा की बात बुरी लागे या बा की बात कड़वी लागे तो बा ते प्यार से समझा सको कि नहीं भाभी सा, या जकी ते बात बता रहे हो बा गलत है, इसे थारो झगड़ो भी कोनी हुए और प्यार भी बरकरार रहेगो। अरे भाभी, तो हमारे छोटा हुआ को फायदा उठावे। नहीं नहीं, आ तेरी गलत फहमी है, बा तो हमेशा थाने एक माँ की जे प्यार करे। वे मैंने खुद बता रहा कि बा तो मेरी बेटी समान है। तो आगे से एक बात ध्यान रख जो कि जब भी एकदम कोई कहानी से शुरू है तो भी एकदम प्यार से खत्म कर देना, कदे भी नोक जोक नहीं बढ़ानी। अच्छा, तो ठीक है। ठीक है संत कुमार जी। जय श्री राम। कोई आज जा रहा है। अरे माई, क्या को इंतजार कर रही है? अरे तने कितनी बार समझायो, रेगिस्तान में पानी और फौज में गुमेड़ा सिपाही की के आस करनी। तू बता, क्यों दिन में सपना देखे माई? नहीं नहीं, मैंने संत कुमार बोलियो है, वो जरूर आवेगो, मेरो बेटो जरूर आवेगो। अरे फेर वो ही संत कुमार, वो सारे गांव ने सपना दिखा तो घूम रहे है, कसो तेरो बेटो आवे है? फौज में गेड़ो कदे आवे के पाछो? नहीं, संत कुमार की बात पर मने पूरो भरोसो है, वो जरूर आवेगो, मेरो बेटो जरूर आवेगो, मेरो बजरंग जरूर आवेगो। खरबो कर भरोसो, तू जाने तेरो भगवान जाने। कोई आज जा रहा है, कल कोई जाने वाला। अरे वाह बेटा राधू, आजकल तो वही बहुत पढ़ाई करे लगो, मास्टर जी बता रहे। छोरा, मैं तेरी माँ ने बुलाने वास्ते बोली है नी, और तू अपनी माँ की गोद में। रुको, अरे अजी मेरी बात तो सुनो, वो क्या कर रहे होते? अत्ता सा मासूम बच्चा पर हाथ उठा था, ताने बिल्कुल भी शर्म को नहीं आवे? मैं पूछू थे आदमी हो या कसाई हो? कसाई हूँ, कसाई हूँ, थारे मतलब? और तुम बीच में माला कौन हो? मैं एक मिनक, और जब भी कोई मिनक का बच्चा पर अत्याचार वेगो मैं तो जरूर बीच में आऊंगा। देख, ये मारे घर नी बात, तू बीच में मत बोल। एक बार नहीं, 100 बार बोलूंगा मैं। और एक छोटा सा बेचारा बच्चा को की कसूर? वो तो सीधो मंदिर माँ की बोलो, माँ माता ने मामी बुला रही है। और रही बात गोरी की, तो गोरी आरती हो पहले की आती घर है, और जी आरती खत्म हुई बा गरा खातर निकली रही। आहा, जब मैं आई तो आ थारे सु गप्पा लड़ा रही। हां सब समझो, निगोड़ी शर्म नहीं आवे। चल, जो मेरी मेरी बात सुन। ए चुप, चल। ले भाई अपने पास ये 100 रुपए का नोट बाकी है, बस ये आखिरी चाल। शो 2 3 8 9 10 11। अरे बाप रे, फिर हार गयो, फिर हार गयो, फिर हार। गजब है गो भाई, गजब। घर से निकलो बच्चा वास्ते राशन लेने और जुआ खेलन बैठ गयो। बच्चे के खाए के पकाएगा बच्चा? और खेल जो, और खेल, और खेल, और खेल जो, और खेल। सब पैसा आ रहे, और खेल। भाई जी के है? बस इतनी जल्दी हार मान गया? गलत बात, बिल्कुल गलत बात। मर्द का बच्चा होते और मर्द का बच्चा कदे भी घरे हार कर वापिस कौन जाए? मर्द का बच्चा हमेशा जीत कर ही घरे वापिस जाए। एक बाजी और खेलो, थे जरूर जीतोगा। अरे भैया खेलने वास्ते रुपया कड़े। बागो इंतजाम मैं करूंगा, पर बीस से पहले थाने मेरे से एक वादो करना पड़ेगा। कैसे वादो? कि थाने थारा बीवी और बच्चा की कसम कि आज के बाद में थे जुओ खेलोगा तो। अरे माना छोड़ो भाई, मेरा बाप कौन ही खेले,
मेरा बाप कौड़ी खेले। पक्को वादो? पक्को वादो। ले रुपया लगाओ दाव। पर भाया तू है कौन? हर हार वाला आदमी ने एक जीत को सपनों दिखा वालो, साधारण आदमी खेलो। हाँ भाई हो जाए, खेलो बांट बांटो जल्दी करना। चल पूरा पैसा लगा दिया, लगा। हाँ अच्छा चल शो कर। हाँ मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया भैया, जीत गया। जाओ हाँ जाओ जाओ हाँ जीत गया मैं। अरे ये कहाँ गया? पधारो, आप ही की वजह तो गांव की शान है, आप ही की वजह से तो गांव की थोड़ी बहुत मान मर्यादा बची है, नहीं तो ते बोलो की चाहे। अरे मैं क्या बोलूं, थे सब जानो। सब जानो हूँ, सब सुनो हूँ, मारी आँखा से कोई बच नहीं सके, मारो इशारों बिना पत्ता भी नहीं सके, जो मैं चाहूंगी वही होएगा, फिर देखता जाओ मारो खेल। चलो कबूतर ने दाना देने को बखत हो गया। राम राम। अब आओ खेल को मजो। भाई तू के करूं, मैं मेरी पूरी जिंदगी की कमाई अठे गार्डन में आई थी, घर में तो निठल्लो भाई, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई लुटा देवेगो, एक ना एक दिन परदेसी भी आवेगो, घर गृहस्थी भी चलानी है। मारा बीरा गांव में नारंगी की बहुत इज्जत है, ए भूत हाली बात कोई नहीं मना बता जे, थारी मारी सौगंध है। भाई थारी इज्जत है जबकि मेरी इज्जत है, जता मैं हूं बता, थारी इज्जत पर कोई आंच को नहीं आ सके। ठीक है मारा वीरा चालू। तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए। क्या बात है, आज तू बड़ी दुखी है? वो हमारी जीने की इच्छा ही कौन है? ऐसी क्या बात है? वो हमारी जेठानी, बिना तुम्हारे जीना ही हराम कर रखे हुए। और तुम्हारा पति? बीके तो थे, बात ही मत करो। वाह वाह, तुम्हारी एक बात भी कौन ही माने? यू फिकर नॉट। अरे सारा जमाना जब तुमसे कर लेगा किनारा तो मैं दूंगा तुम्हें सहारा। अरे मैं हूं तेरा आशिक, फिरता हूं मारा मारा, आज से मेरा सहारा तू और तेरा सहारा मैं। वाह, एक हाथ में शराब
और एक हाथ में जवाब। वाह वाह मूलचंद जी वाह। बस वही देख वो बाकी रह गयो मेरा। ठेके हो एक बहुत बड़ा राइटर, राइटर को मतलब एक बहुत ही बड़ा समाज सुधारक, समाज के साथ जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी कड़ी। और थाने जरा भी शर्म को नहीं आवे कि थारी बेटी के समान उम्र की लड़की की तरफ से बुरी नजर से देख रहे हो, एक साथ रोमांस कर रहे हो। थोड़ी तो शर्म करो मूलचंद जी, थोड़ी तो शर्म करो। अरे संत राम जी मैं बहुत शर्मिंदा हूं, सचमुच मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, आपने आकर मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं अच्छा इंसान बनूंगा, अच्छा राइटर बनूंगा। और थे हर छोटा मोटा झगड़ा तो घर में होते ही रहे ना, फिर घर की न्याय दूसरा का हाथ में ले के मतलब। एक बात याद रख जो मेरी, जब खुद के घर को फैसलो दूसरा का हाथ में आएगो समझ लो घर टूट गयो। मार से बहुत बड़ी भूल हो गई संतराम जी, अब मैंने माफ कर दो। अच्छा मैं चालू संतराम जी, मारी जिठानी मारी राह देख सी होगी। मेरी बात याद रख जो संतराम जी, आप इंसान नहीं एक देवता है। आज सचमुच आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, आज मुझे जिंदगी का एक सही रास्ता दिखाया है। अब मैं उस पर चलूंगा, मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, एक अच्छा राइटर बनूंगा, यानी कि एक अच्छा इंसान बनूंगा, एक अच्छा राइटर बनूंगा। थे अच्छा इंसान हो थे अच्छा राइटर हो, बस अच्छा और खराब बनवा के बीच में सिर्फ एक ही कड़ी है और बाकी है जान बचाओ, यो जहर जो ही है जो थाना आगे बढ़वाऊ रोक रहे है। संतराम जी आज मैं आपके सामने कसम खाता हूं, आज के बाद इस जहर को कभी मैं हाथ नहीं लगाऊंगा और एक अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा। मैंने थारे से आई उम्मीद थी, मैंने थारे से आई उम्मीद थी, पर मेरी बात को ध्यान रख जा, हम चलो। जय राम जी की। संत राम जी आप इंसान नहीं एक देवता हैं, मैं सचमुच एक अच्छा इंसान बनूंगा, एक अच्छा राइटर बनूंगा। मने बहुत खुशी है कि थे अच्छा राइटर और अच्छा इंसान बनकर भी आपकी जबान और आपकी भाषा ने कदे भी को नहीं भूल रहा। और होनी भी चाहिए, आदमी भले कोई भी फील्ड में और कितो भी बड़ो बन जाए लेकिन बिना आपकी जबान और आपकी भाषा कदे भी नहीं भूलनी चाहिए। जय राम जी की। जय राम जी की। मैं आपको प्रणाम करता हूं, कितना अच्छा इंसान है। और सुना भाई माधव क्या खबर है? खबर की? हाँ काल फिर गांव में चोरी होगी। यहाँ कौन से नई बात है यार, गांव में तो रोज ही चोरी हो है। अरे बात तो ठीक है पर आप बेरो कौन पड़ रहे हो, चोर है कौन? हाँ यार ये चोर से मैं बड़ा परेशान है, इनको पकड़ने जाना बहुत जरूरी है। पर यार माधव गांव को कोई आदमी तो चोरी कर सके कौन, ये जरूर कोई बाहर को आदमी है। पर यार बाहर को कोई आदमी गांव में आता जाता तो देखे कौन? अरे के पता चले यार बाहर का भी तो लोग गांव में यार बस गया है। अब बात तो है पर गांव में आजकल एक ही चर्चा चल रही है कि जगह दिन भी वो चोर पकड़े हो गए हो लेकिन खैर नहीं है। पर माधव माने लगे है कि चोर बड़ा ही शातिर है, इसको पकड़े जाना बहुत मुश्किल लग रहा है। तू कहीं भी गए वो चोर है एक दिन जरूर पकड़े जा सकते। अरे चोर यार चोर का पीछे पड़े मोर, चलो आप बात करे हो चोर। हाँ सुना आजकल काम धाम कहीं कर रहा तू? बस बम्बई जाने की तैयारी कर रहे हो। अरे क्यों करे भी गो या पूरी उम्र नारंगी की कमाई खाते रहो? अरे बात कर रहा तू, तू कौन सा काम कर रहा है यार हा? सिवाय अपने भाई से लड़ने को। यार तू तो लड़बा की बात कर, फिर क्या करूं? मैंने एक काम याद आऊंगा, मैं तो जाऊं। हाँ जा।
अठे थोड़ा सा और बाकी रहेगा। आगती होगी। देख बड़ा लोग भी किया का बड़ा बुजुर्ग अतो बड़ो मंदिर बनाएगा कर तो पुण्य को काम करया पर तू भी पुण्य कम को नहीं कर रही है अता मंदिर गवाए पूछो लगा वो कम बात को नहीं है बस थोड़ो ही काम और बाकी है। मंदिर की धुलाई हो रही है कपड़ा कौन धोवेगो थारो बाप पहले घर में उजाला करो फिर गांव में चलो। भाभी जी मेरी बात तो सुनो बस थोड़ी सेवा और बाकी रहेगी और बाकी सब कुछ कर रही है आपका बच्चा के खातिर तो कर रही है ना। बच्चा तो हरगिज ठीक होने में मारो गारंटी बल्कि मैं बीमार हो जाऊंगी चल। नहीं भाभी जी मेरी बात तो सुनो यहाँ मत करो जो आज सब कुछ कर रही है बिको इन्हें पुण्य को नहीं मिले थाने भी पुण्य मिलेगो बड़ा आया धर्मात्मा चल। कोई बात को नहीं भाभी जी मैं भी इतनी जल्दी हार मान वालों को नहीं ये गांव का बच्चा और बाकी माँ ही नहीं बल्कि पूरा गांव ने मैं एक दिन स्वस्थ कर कर ही रहूंगा और मेरे थार से वादो। पर मैंने एक बात समझो को नहीं आई कहीं आजकल जिन्हें भी देखो गांव का माए तेरी तेरी तारीफ हो रही है कहीं बात कर रहे हो। हाँ अरे बावड़ा गाँव का ही नहीं तेरा खुद सागे भाई साहब तेरी तारीफ करता करता कौन थक रहा आपका मुंडा से कहीं कर काली मैं बाका मुंडा से सुने हूं मैं काल मैंने खुद बोल रहा बोले मेरे भाई माधव थोड़ो क्रोधी जरूर है पर बोले दिल को बहुत साफ है बहुत साफ है बिल्कुल मक्खन की जिया आ बात कही भाई। हाँ और अभी बोलिया बोले कुछ कमी मेरी रहेगी जो मैं बिना पढ़ा गुन सक्यो क्योंकि मैं मेरा गाना बजाना पर ज्यादा ध्यान दे लियो जो बी का करियर पर मैं ध्यान गुन दियो नहीं तो आज के तो वो कतो कागे निकल तो और कतो बड़ो अधिकारी मैंने बनकर बता दो सांची कह रहे होते मैं क्यों झूठ बोल बावड़ा खुद बागा मुंडा से सुने हूं मैं पाछे फिर वो महाराज गोदम क्यों करता रहे अल्ले भाई बात गई बात तो घोड़ा ही को नावड़ से क्या मैं तो गई बात अब आपा ने आगे के करना है वो सोचना आगे कहीं करना है। अरे मैं तो बिना मतलब ही फिर देख मेरो काम हो तने समझाड़ो ठीक है लेकिन मैं जाऊं पहले तने फिर बोलूंगा कि असो भाई तने कदे कौन मिलनो वो खुद आपका मुंडा से तेरी तारीफ करतो करतो कौन थक रहे हो और अतो विश्वास है बिन तेर पर क्योंकि कोई हद को नहीं। आया अब तू सोच जा आगे के ठीक है। जय श्री राम। जय राम जी की फूलचंद जी। जय राम जी की। दर्शन करे या? हाँ ठीक। मैं साची साची बोलूं पहले मनने लागो यो जासूस है लेकिन ये तो पक्को चोर है जब से अपने गांव में आयो चोरी ही चोरी हो रही है पहले कदो अपने गांव में चोरी हुई नहीं। हाँ मैं भी इस गांव को पक्को मीनक हूँ पर्दो फास करके रहूंगो चलो थे के बात करो। अरे भाभी मैंने खुद आपका मुंडा से बोली कि मन तो मेरी देवरानी का बिना बिल्कुल नींद ही को नहीं आती जब तक वह मेरे पास मनी सोती मने ही अलाग तो जानी मेरे पास मेरी बेटी को नहीं भाई मन तो बिजली से बहुत डर लागतो। और बिजली से तो मैं डरती। हाँ मने थारी भाभी जी अभी बोली कि जद वह नई नई घर का मैं दुल्हन बनकर आई मन तो यहाँ लागू जानी सागे मेरी बेटी मेरे कना आएगी तो मैं पूछो मुझे लड़ाई तो इतनी करो जद मने बोली हाँ बिने बेटी को प्यार करके मैं ही थोड़ी बिगाड़ दी लेकिन वह मेरे करे बहुत है बिल्कुल एक सागे बेटी की जिया। भाभी भी तो मने माँ की तरह प्यार करे है कटे हमारी भाभी भाभी जी भाभी जी राम राम गौरी जी। राम राम चाचा जी। आपरा गांव का तो भाग जाग गा जो संत राम जी अठे आ गया सब गांव वाला दिन रात सुपना देखने लग गया है। मैं चालू चाचा जी। जान वालों को कौन रोक सके जाओ जाओ कोई बात जो रहे हो विधवा होके रंगीन सपने देख रही है। Thank you.
भाभी जी, भाभी जी, जी मेरी बात तो सुनो। क्यों? मैं तो थार से बात करवाने तरस गयो। आज तो देखो पूरो गांव थारी आपका मुंडा से तारीफ करतो करतो कौन थक रहे हो। मेरी तारीफ? हाँ। कौन कर रहे हो? मैं भी तो जानू। हाँ जी, पूरो गांव थारी तारीफ कर रहे हो। और गांव भी कोनी, थारी खुद की सागी दोरानी थारी तारीफ करती करती कौन थक रही है। दोरानी? हाँ। आश्चर्य, थाना कोई गलत फहमी होगी। मैंने कोई गलत फहमी कोनी हो रही भाभी जी। मैंने खुद आपका मुंडा से बोली है कि बचपन में तो माँ को सायो मेरे सिर से चले गयो, और जद में ब्याह होकर एक घर के माँ आई जना मैंने सासू माँ को प्यार को नहीं मिलो। अब मेरी भाभी तो ही जो मैंने हमेशा बेटी की जी आपका कार जगह लगाई रखी। वाह, और मारी तारीफ जरूर थाना कोई गलमी हो रही है। हाँ, सुनकर तो देखो मैंने भी विश्वास को नहीं हो। फिर मैं पूछो कि थे दोनों अति लड़ो फिर यहाँ बोल रही हो थे। जना बा बोली कि माँ बेटे में कभी लड़ाई को नहीं हुए। अब लड़ाई होगा को मतलब बात थोड़ी है कि माँ बेटी से प्यार कर वो छोड़ दे। और रही बात लड़ाई की, तो लड़ाई करे बिना तुम्हारो पेट ही को नहीं भरे, हजम ही को नहीं हमारे खानो खाएड़ो। पगली खटेगी। छोटी सी टावर थी, ब्याह कर आई थी जन। बिजली चमकती तो डर जाती, भाग काती, छाती से चिपक सो जाया करती। और अब बिजली वाले से पटर पटर लड़ाई झगड़ा करा मेरा सागा। नहीं नहीं भाभी जी, आ बात को नहीं थे यहाँ करो। एक दिन बिगे सिर पर प्यार से हाथ रख दो। देखो मेरी बात मानो, बा बिजली बनेड़ी थर श्याम ने मोम की जिया पिघल कर एकदम थर श्याम नार खड़ी हो जाएगी। सच्ची? खटे खटे गोदावरी खटे है। प्यार को भाई जी छे अड़े एकला खड़े के गिर रहे हो। अरे करनो के पड़ियो है वो मेरे लो छोटो भाई है ना माथो। अरे अभी को गरुड़ पुराण वाच रहे हो क्या कर रहे हो? राम राम, आज शाम के टाइम पर ऐसी बात करया करेगी भाई जी? तो क्या करूं थे बताओ, थे बताओ क्या करूं मैं, थे बताओ। वो तो काली पूरा गांव के सामने आपका मुंडा से थारी तारीफ करतो करतो कौन थक रहे हो? और थे भी के बारे में यहां बोलो के? हाँ, मैं सच्ची बोल रहे हो थे? मैं काली सुने हूँ, मेरे विश्वास ने तो पूरा गांव से पूछो। ना ना ना, वो तारीफ फोन कर सके। मैं बोल रही हूँ भाई जी, मने क्या फेरा बात फेरो। वो खुद बोल रहे हो कि मेरा भाई जी आपको गवाइयो कोई सोई को नहीं। बोले बाको गड़ो बागा गड़ा माती मिठास अतो सुरीलो बाको गड़ो। और आज ये गाँव का ही नहीं, काल पूरा देश का सबसे बड़ा सिंगर बनकर बताओगा। बोलियो अजी थे जानो। हाँ। मेरे भाई जिसो कोई भाई को नहीं हो सके, मेरे भाई इतो अच्छो है, इतो अच्छो है। और मेरे भाई के जिसो काबिल कोई गांव में को नहीं, पूरे गांव में। एक दिन वो भी बहुत बड़ो आदमी बनागो। बहुत दिल को साफ है थारो भाई, सच्ची कह रहे हो थे। बिल्कुल, वो कदे कदे राड करे ना मेरे सु, मेरा जी फाट जाओ एकदम, कार जो बढ़ जाए मेरा। नहीं नहीं, राड कती करो, पर आखिर थे भी बागा भाई और भी थारा भाई। अब तो भाया ना एक दूसरा को साथ तो देना चाहिए ना। यह बात तो थे, ठीक कहो जी। तो फिर अब मैं चलूं, थे समझ गए होशो। अरे नहीं नहीं नहीं, यहां क्या थे, चाय पानी पी के जाओ आए हो। चाय मैं जद ही पीऊंगा, जद अगली बार माधव के साथ थेड़े प्यार से बैठे रहोगा जद, बी के बाद मैं चाय पीऊंगा। अब मैं नहीं जा देते हो। अरे सुनो सुनो, अजय सुनो सुनो, मेरे भाई ने जार के हो आंगड़िया से नखून कदे अलग को नहीं हो। भाई का भाई हो के बैठ दो भाइयों को, भले बैठ ही हो। मेरे भाई ने जरूर से कहो कि थारो भाई तने बहुत प्यार करे। भगवान थारा जरूर से बतायो मेरे भाई ने ते। चल कथनी और कर भी हो वे जिनसे भी रिश्ता जोड़ा मैं मर कर भी नहीं छोड़ा। जिनसे भी रिश्ता जोड़ा मैं मर कर भी नहीं छोड़ा। चाहे बाधा भी आवे हजारा ऐ ठाकुर मारा मैं हां टाबर थारा। ऐ ठाकुर मारा मैं हां टाबर थारा।
लोग व्यक्ति हुए के वो ब्याह कदी नहीं हो सकते, कदी नहीं हो सकते वो ब्याह। वो नहीं हो सके और सुनते भी कोई चीज हुआ करे आप पाप सरासर पाप। खामोश चुप रहो। संत राम जी को काम कर चुके है वो काम तो थारो हो, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। आत्मा कदे भी गलत को नहीं बोले, जे गलत करोगा तो आत्मा रोकेगी क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। नारंगी बिल्कुल ठीक कह रही। सबसे बड़ो धर्म है और हिम्मत को काम है और इसी हिम्मत साधारण आदमी को नहीं कर सके, नहीं कर सके क्योंकि अगर इसी हिम्मत था लोगा में आ जावे तो मिनखा की बहु बेटिया लाचारी और बेइज्जती की चक्की सु पीसने सु बच जावेगी। अरे बा के लिए विधवा पनो अभिशाप की जगह वरदान बन जावेगो, वरदान। करियाई भी मुस्तंडा के साथ मुंह काड़ो तो अट्ठे क्यों आई है? जब तू तो भाग भाग कर मंदिर जाती जद ही मो समझ गई कि दाल में कुछ काड़ो है, कुछ काड़ो का अट्ठे तो पूरी दाल ही काड़ी। निकल जा हमारे घर से, निकल जा। आज दिल का हाथ लगावे की कोशिश करे तो है? आज से आप मेरी अर्धांगिनी है और मेरी अमानत भी। अब आप कोई का टुकड़ा की मोहताज को नहीं है। तो रख लेना अपने हाथ दिया पर, मारी छाती पर क्यों भेजिए? ली जा यहाँ से, जा। ले भाई आयो मैंने। चल गोरी, अब मत नहीं भट्टी कमाए को नहीं मर बाजू। हाँ हाँ, जाओ। पाछो मत आयो। अच्छा बिल्कुल को नहीं आवा, न मैं आऊंगो और न गोरी आवेगी। और अतो वादो जरूर कर जा रही हूँ कि थे गोरी का दर्शन के लिए तरस जाओगा। हाँ चलो, मैं थारी अगवानी करू हूँ। जब तक घर को इंतजाम नहीं होवेगो थे मारे घर में भाई और भुजाई बनकर रहोगा। मैं देखू हूँ कौन थाने रुके है। मेरो नाम नारंगी है, नारंगी। थार पर उंगली उठाने वाले की उंगली तोड़ दूंगी। आया है बड़ा धर्म का ठेकेदार, थो पापी कठे का। आप चलो आओ। संत कुमार के आने से आपनो गांव स्वर्ग जिया को हो गयो, सगली जगह शांति हो गई, गांव में रामराज की कल्पना साकार हो गई। तेरी बात तो ठीक है, अब हर उल्टी चीज सीधी होगी, पर यह चोरी तो बंद को नहीं हुई। बीके आने के बाद ही चोरी ज्यादा हुई है। तो थे कहीं कहना चाहो, संत कुमार चोर है, वो गांव के लिए अत्तो काम करियो, वो चोरी जियो काम कदी को नहीं कर सके। जाके आदमी चोरी कर रहा है, पहली बे लोग अपने काम से दूसरों को खुश कर दे, बाद में बीके आदमी गलत काम करे। सब बात हो सके पर संत कुमार चोर को नहीं हो सके, समझा गए थे? आज के जमाने में सब मुमकिन है, समझा हमारा गोपाल जी? जय राम जी की फूलचंद जी। जय राम जी की संत राम जी। जय राम जी की। आओ पधारो। उठ मोटू, चल। ए तू भी हट, मने दोनों ने बात कर दी। संत राम जी। हाँ जी। मैं थारी बात कुछ समझो को नहीं, किते के बोलबो छ रहे हो? कीमती चीज? मारो मतलब कीमती चीज, अच्छा लोग जो कि गांव की गोरी, अच्छा सुर जो तू खुद गावे, अच्छा नृत्य जो तू मधुमती ने सिखावे, अच्छी बाता जो तू गांव वालों ने सिखावे, ये सब अच्छी बातें और कीमती चीजें थारी वजह से गांव में आई हैं और थारी वजह से गांव से जा रही हैं। जा रही है? हाँ, ख्याति तो फैलती रहे ना संतराम जी। मैं भी मौके की तलाश में हूँ, जद थारी नजर पकड़ के मैं भी कोई सीख लू, बस थारी मेहरबानी चाहते। मेहरबानी तो मारी क्या की फूलचंद जी, मेहरबानी तो ऊपर आला की है। बोई आपा ने सबने खुशी से राख वालो और बोई सबने संभाल वालो, आपा तो सब भी के बस हुक्म का गुलाम। हाँ
तो आप मुझे इजाजत दो, मैं चलूं। अच्छा, जयराम जी के संतराम, जयराम। अच्छा, इसके ऊपर भी कोई बड़ा ऑफिसर है जिसके कहने पर यो जासूसी करे। अब मन्ने पूरी बात समझ में आ गई। अरे जागीरा, चल मालिश कर। जोर लगा। ये लो जी। अरे वो फरिश्ता जी, फरिश्ता जी, अठीना यो मैं क्या देख रहे हूँ थे बुरिया दुकान। ये सब थारी कृपा है। थे विश्वास दिलायो मैं पैसा जीत और जीतरो पैसा से दुकान कर ली। मेरा घर संसार सुखी हो गया, परिवार सुखी हो गया, गांव वाले भी इज्जत से देखने लागे। हैं ये सब थारी कृपा। मैं क्या करियो, मैं तो थाने खाली राह दिखाई और बिया भी राह दिखावो बड़ो आसान है पर बीबर चालबो बड़ो मुश्किल। और जखो परिश्रम से और मेहनत से काम करे बीको तो भगवान भी साथ दे। वो सब कुछ है जो थारा मेहनत और परिश्रम को ही फल है। मारे थे भगवान और थे मार्गदर्शकों। बोलो अब के खिलाऊं। नहीं नहीं मेरी बात सुनो, आज मैं माफी चाहूं क्योंकि आज मैं निर्जला कर रखी हूं। अगली बार जब भी आऊंगा पक्का खा कर जाऊंगा। थे मारा घर जरूर आना है, नरेश की माँ थारा इंतजार कर रही। ठीक है चलो। एक मिनट एक मिनट, देखो ये थारी अमानत। या की जरूरत? जरूरत है, जरूरत है मारे जैसे आदमी को सुधारने वास्ते। ले धन्य हो। धन्य। जय श्री राम। जय श्री राम। कितना बढ़िया फरिश्ता है। ए रुपया ले और फटाफट सेठ करोड़ी मिलने देकर आ। मेरी पास बात होगी है, देखो भाभी को मकान गिरवी पड़े हैं, अब कौन मांगेगा। पर भाभी तो था के एकदम बुरा बलो के वे और थे कि धावड़ा भागो। काम है बुराई कर दो और मेरा काम है भलाई कर दो। वह आपकी आदत में कौन छोड़े तो मैं क्यों मेरी आदत में छोड़ू। और वह मेरी पत्नी की भाभी है तो मेरे मन में तो बाकी प्रति है कि कोई भावना ही को नहीं आ सके। मैं तो बाकी इज्जत करूँ, बाकी सत्कार करूँ, बाकी आदर करूँ। जा रुपया ले और देकर आ। सब समझ गया थे इंसान कौन ही थे। देख मैं के हूँ और के नहीं, और एक राज है और इन राजी रह भाभी। फटाफट जा ले। माँ। हाँ बेटा। आज मैं थारे खातर कुछ ना कुछ लेकर आयो। के लेकर आयो है? थे सोचो। मेरा तो बेटो ही सब कुछ है बेटा। अरे तो मैं बजरंग भाई साहब की ही चिट्ठी लेकर आया हूँ। चिट्ठी लेकर आयो? चिट्ठी लेकर आयो? पढ़ो चिट्ठी लेकर। पर बेटा मैं कहीं पढ़ सकूं? जाओ मंदिर, मैं पढ़ के थाने सुनाऊंगा बजरंग भाई साहब के लिखे हैं। आदरणीय माँ चरण स्पर्श, मैं तने छोड़कर तो आ गयो और फौज में भी भर्ती हो गयो, पर बीच में युद्ध हुयो और पड़ोसी देश का शत्रु मैंने बंदी बना लिया। अब वे दूसरे दोनों देश का माए दोस्ती को हाथ बढ़े है। अब बहुत सा कैदी तो छोड़ दिया गया है, भगवान चाहे तो मैं भी जल्दी आ जाऊंगा। तेरे हाथ की रोटी खाया बहुत दिन हो गया ना, तेरे हाथ की छाछ, तेरे हाथ को मक्खन, आहा मन में आवे कि अब भी अड़े ही आ जाए वो मक्खन। माँ जल्दी मैं तेरे हाथ की वापस आकर रोटी खा बचाऊ और वो मक्खन खा बचाऊ। मैं जल्दी वापस आ रही हूँ माँ, तेरो लाड लो बेटो बजरंग। भाया मारो एक ही छोरो है जो हमेशा बीमार रहवे, इलाज का पीसो को नहीं तो शहर माँ मासी करे छोड़ रखे है। अरे तेरो छोरो बीमार है तो पूरे गांव ने गाड़े बखोगो, संत कुमार पूरे गांव ने सुधार रहे है। राम चाहो तो तू भी सुधर जागो। तेरे गांव में आने से गांव में खुशियां ही खुशियां भर गई है। पूरे गांव में तो खुशियां आएगी पर मेरी भाण की जिंदगी में खुशियां कटी है। अरे मन क्या हुयो, मैं तो बहुत खुश हूँ। नहीं तेरी हंसती आंखें ने पूरा गांव देखियो, लेकिन तेरी हंसती आंखें के पीछे छिपे आंसू
मेरे से छिपेड़ा को नहीं भान। तू मने बात बता, क्या बात? भाई, छोटी ही जब बापूजी चले गया, थोड़ी बड़ी हुई तो माँ छोटा भाई ने गोदी में छोड़कर चली गई। भाई के खुशी में इसी बावली होगी कि आपने खुशी भूल गई। पीछे एक दिन परदेसी आए, वो मेरा दामन खुशियां ही खुशियां सु भरती हो, पर मैं भरम में ही। वो एक दिन मने एकली ने छोड़कर चले गयो और मेरे दामन में आंसू ही आंसू रह गया। मैं तो सुहागन को नहीं बन सकी, पर लोगा ने सुहागन बनने को सामान बेचन लागी। ऐ मने खुशी मिले है। जो दूसरा की खुशी में आपकी खुशी समझे, इससे बड़ी दुनिया में कोई खुशी को नहीं। भाई मैं तो डॉक्टर साहब गन जाकर आऊंगा, तू एक काम कर दे, बच्चा ने जाकर स्कूल से लिया जे। ठीक है बेटा, मने माफ कर दे। होते क्या कर रहे हो? मैं कुछ करोड़ी मन मने सब बता दियो। नहीं, थारो हाथ जोड़वा को काम को नहीं, थारो काम सिर्फ अतो ही है कि थारो हाथ मेरे सिर पर रखो। चुक 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 हो जाए बेटे। एक बात पूछूं संत कुमार जी, कदी कदी मैं सोचे कि आज का जमाना में आप जैसे इंसान भी होवे ना कोई स्वार्थ ना कोई मतलब। बिना मतलब का कोई कोई खातर कुछ करे भी है नहीं। और रही बात स्वार्थ की, तो मने भी थार से कोई ना कोई स्वार्थ है। मने तो दूर दूर तक कोई स्वार्थ नजर कोणी आ रही हो। रेगिस्तान में सूर्य की किरणा चमकते सोना की तरह नजर आ रही हो। वह सोना की किरणा सिर्फ एक नजरा को धोखो है, बाकी रेत तो रेत ही ना। संत कुमार जी, था फरिश्ता है फरिश्ता, बताओ ना घटे से आए कौन हो आप? मैं कोई फरिश्तो वरिश्तो को नहीं, मैं तो एक आम आदमी हूं। और रही बात मेरे काम की, तो मेरा एक मकसद है, जिस दिन वो मकसद पूरा हो जाएगा दिन थाने खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा। आपको फर्क। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।
लहरा गयो मेहनत को गैरो नशो सब पर छा गयो लागे है खुशी को जमानो अब आ गयो परदेसी प्यारा मैं अब सब का झगड़ा मैं मारे प्रेम की गंगा बहाई कदम चालता नहीं रुकेगा ऐसो मार्ग मिल गयो अनपढ़ और मूर्खा मैं भी ज्ञान को दीपक जग गयो रात ने अरे कौन लुक रहा है बड़ी ने देख तू बोले कौन ले ले मने ही आप दे तो तू करे चोरी नहीं संतराम जी मैं चोर नहीं हूं चोर नहीं हूं मैं तो फिर चोरी करनी मेरी मजबूरी है मैंने जान दो संतराम जी तेरी इसी की मजबूरी आ गई मैं पूछ रहा हूं कि तू चोरी करे संतराम जी शहर जान रहे बाद मेरी बुरी आदत पड़ गई ये वास्ते मैं चोरी करने लग गई आज रे बाद मैं चोरी नहीं करूं मैंने जान दो संतराम जी आज रे बाद की मैं क्या गारंटी करूं संतराम जी तेरे जान दो कि मैं अपने बहन को बहुत प्यार करूं पीकी कसम खा के कहूं कि मैं चोरी आज रे बाद नहीं करूंगा मैंने जान दो कम से कम हमारी बहन इज्जत के वास्ते मैंने जान दो कहूं मैं बात किसी ने कह जो मैं देख मेरी बात सुन तेरी बहन कितनी शराफत से और कितनी मेहनत से पैसों कमावे कितनी शरीफ है वाह तो तू भी कुछ बनकर दिखा मेरे हाँ बुरा काम मैं कुछ भी कोनी पड़े जो कहोगे मैं करूंगा पर मैं जानती हूं पक्की नहीं करोगे चोरी नहीं चोरी करनी करूंगा ठीक जा भाई सूरज मैं तो कल चले जाऊंगा बस एक आखिरी काम बचे वो भी कल हो जाएगा और एक आदमी ने आत्मज्ञान मिलना है वो भी कल मिल जाएगा मैं तो आज सोचूं कि अगर तू मेरे साथ नहीं होता तो मैं तो कोई भी काम को नहीं कर पाता मेरा तो हर काम असंभव होता तू मेरे बहुत काम आयो मैं तो थारो साथ पाकर निहाल हो गया बावड़ा एक दूसरा के साथ मिलकर ही कोई काम करवा से काम में सफलता मिले अकेले आदमी तो कुछ भी नहीं कर सके और रही बात काम की तो आप जखो भी काम करया भी को कोई ने पता भी कौन लगे हो अब मैं सोचू कि जखी भी आप मेहनत करी बीका फल में आधो हिस्सो तेरो भी है तो मैं तो कल चले जाऊंगा तो बी के बाद मेरे काम अब तनी संभालना है मेरा बताया रास्ता पर तनी चालना है पहला तो मन ये काम बहुत कठिन लग पर आप थारो साथ पाकर सब आसान लग रहे एक दूसरा के साथ मिलकर काम करवा सही हर चीज में सफलता मिला सूरज और मैंने तेरे पर पूरा विश्वास है करोड़ीमल जी ये क्या बोल रहे हो करोड़ीमल हूँ करोड़ा की बात करूं बहुत दिना से हमारे दिमाग में यो बात चल रही है कि चोर कौन है हमारे गांव में तो चोर कोई है नहीं एक प्रदेशी है तो संत कुमार ही चोर है क्या कह रहे हैं आप
और ना समझी के बात थारा दिमाग में आई क्या? ना समझते हो, मैं बी पर नजर रखन लाग्यो और काल रात 12 बजे रमेश केड़िया के घर के सामने मैं बोलियो अति रात अठे के करे। मैं पूछियो किसो खास काम, तो यो ठीक कोई जवाब नहीं दे सकियो। इस समय तो मैं भी चुप हो गयो, पर सुबह मालूम पड़े कि केडिया जी के अटे चोरी हुई तब मारे सब समझ में आएगी। संत रात बैठे हो, सवेरे शहर में माल बेचने गयो, इसलिए मैं अब गांव वाला ने इकट्ठा करी। बोल संत कुमार, कहते ये सब झूठ है। तू बोल, जवाब दे, रात में बैठे क्या कर रहे हो? अरे संत कुमार चुप क्यों, जवाब दो ना। अरे बोलो ना, कुछ घूंगे हो, बहरे हो, सुन नहीं रहे हो क्या? बोलो। बताओ बताओ संत कुमार जी, रात में 12 बजे मेरा घर का आगे थे क्या कर रहा था? ये की चुप्पी बता रही है कि यो चोर है। राम राम राम, तू चोर है? मैं तो ना देवता समझ आखे थो। वाह वाह, उजाले में देवता और अंधेरे में राक्षस। तू ये गांव में रहने लायक नहीं है। अगर जरा भी मिनट पड़ो बच्चों है तो तुरंत यह गांव छोड़ चले जा। अबार तक तो हमारे सामने पुल छोड़ी हुई है। माचो पलट कर भी मत देख जे। और जो देखे है तो पुलिस में पकड़ा देवांगा। देखिया शर्म तो है कौन नहीं, अब जावे भी कौन नहीं है। सुनो जी, मैं और मुन्ना भी थारे साथ जावेंगे, तो मैं थारी जिंदगी को हिस्सा हूँ। देखिया, देख लो करोड़ी मालूम और हमेशा करोड़ों की बात ही करता हूँ। यू आर राइट, योर फ्यूचर इज ब्राइट। भाई सूरज, मैं तो अब चलो, अब मेरे बाद में तो सारा काम तनी संभालना है, सबको ध्यान तनी रखना है। अरे अरे बावड़ा, तू रो क्यों रहे? फुल गाल रो रहे थारे जाने के बाद। भिखारी साधु बन गए, शर्दी भाभी गाय बन गई, कुत्ता की तरह झगड़ती देवरानी जटानी बहना बन गए, बादल की तरह गरजता भाई रिंजिम रिंजिम सावन बन गयो, पर देखियो करोड़ी मन भी परब करी मन बन जाएगो। तो इससे और अच्छी बात की है सूरज, आज सब काम में तू मेरे साथ दियो, तू मेरे साथ रहे हो, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद सूरज, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह, कितना भोला लगता था, कितना सीधा लगता था, बिल्कुल जलेबी की तरह। संत कटे संत, पाने खुशखबरी सुनावनी है। संत बैगो तो सुनेगो नहीं। क्यों कटे गयो है? गयो सदा सदा के लिए। की? पन क्यों? अरे वो गयो के मैं गांव वाले मिलर भी ने काट दियो। पन क्यों काट दिया? अरे वो संतवंत काहे कौन तो, वो चोर तो चोर। अरे चोर नहीं महाचोर। अरे वो मेरी कहानी क्या बिकवाएगा, वो तो सारा गांव बेचने आया था। संत और चोर? हाँ। मैं को नहीं मान सकूं। भाई 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 तू ठीक बोल रही है भाई, संत चोर नहीं है भाई, संत चोर नहीं है भाई। हाँ? भाई संत कोई चोरी नहीं करी है भाई। हाँ जे गांव का लोग, गांव का लोग मैंने जान से मार करे, पर मैं सच बोल के रहूंगा भाई। हाँ? भाई संत चोर बोल, बोल के सच्चाई है भाई। हाँ? यह चोरी मैं करी है भाई, यह चोरी मैं करी है भाई। भाई वो संत तो सारी इज्जत के लिए, ये गांव की इज्जत के लिए, हमारी इज्जत के लिए यह चोरी अपने सर ले लिए हो भाई। भाई मैंने माफ कर दे भाई, भाई संत चोर नहीं है भाई। बीरा बीरा तू केस कर दियो, केस कर दियो। मैं यो न्याय नहीं होन दूंगी, नहीं होन दूंगी। संत 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 रुक जा संत, कटे जा रहे हो है? अरे निर्मोही सुवा की जय क्या उठ तो जा रहे हो है? अपने मंजिल पर मन्ने छोड़कर मैं तो तेरो क्यों बिगाड़ियो को नहीं? पाछे भी तो एक ना एक दिन सब कुछ छोड़कर जानो ही पड़े ना।
फिर अतो मो क्यों मन कठे जावे को तने बतायो तो ना अपनी मंजिल पर और कर्म की राह पर तो लगातार ही चालनो पड़े ना पन कर्म के है तेरो सब कुछ जानबूझकर भी अनजान मंट रही है हां तने सब कुछ पतो है अता दिन आंखें से देखकर भी कौन जान सकी कौन है तू मैं एक साधारण आदमी नहीं तू साधारण मिनक नहीं हो सके नहीं साची बता मारा बीरा तो कौन है मैं स्वामी राघवाचार्य जी को एक छोटो सो भक्त हूँ बचपन से लेकर बाकी समाधि तक मैं बाकी साथ ही रहे हूँ बाकन छोटा से लेकर बड़ा तक और अमीर से लेकर गरीब तक सभी प्रकार का लोग आता और वह सबने एक अच्छे उपदेश देता लेकिन बाकी समाधि के बाद में मेरे मन का मैं एक सवाल उठ्यो कि के मैंने बाकी समाधि के बाद में बैठना चाहे यानी मैंने भी संन्यास लेना चाहे लेकिन नहीं मेरा मन बोलियो नहीं मैंने हर गांव जा जाकर बाका संदेश पहुंचाना चाहिए बाका सब गांव वाला ने बाका अच्छाई का रास्ता पर चलाना चाहिए बस वो दिन और आज को दिन मेरा काम करते आ रहे आता दिन मैं ये गांव ने सुधारे अब मन लागे कि वो गांव पूरा सुधर गो अब मैं सारा गांव की जिम्मेदारी तने संभाला कर जा रही हूँ भाई और मैंने बागला गांव में जाना है तेरा जैसा विचार अगर सब जड़ा का हो जावे तो ये दुनिया स्वर्ग बन जावे चलो भाई चलो बीरा बात है आज से मारे गाने पर रोक नहीं लगा रहा अरे भलो वसंत कुमार जी को जो हमारा भाई जी ने ठीक कर गो माने भी ठीक कर गो और थारा से हमारा ब्याह करा गो अब तो गानों बजानो माने बहुत प्यारो लागवा लगो अरे गाना बजाना के बिना तो कोई जिंदगी जिंदगी वे यही तो मैं भी बोलती पर थारा मन में भाई जी को गुस्सा अतो हो कि मैं क्यों ही को नहीं बोलती चुप ही रहती भाई बाकी संत कुमार जी को बहुत बोलो जो गाँव ने खुशियाँ देखो मने भी बहुत खुशी देखो और लाडो थारे गांव ने बहुत प्यारो करो संत कुमार के खातिर मारो गांव बड़ो प्यारो होगो काका वो छगन डाके थंकताई चिट्ठी देखो है चिट्ठी चश्मा कटे तू ही पढ़ 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 तू पढ़ अच्छा मैं पढ़ अरे आ तो पप्पू की मावसी की चिट्ठी है पढ़ 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 आगे पढ़ हाँ लिखियो है हाँ। आदरणीय जीजा जी मैं थाने एक खुशखबरी लिख रहा हूँ खुशखबरी पढ़ थे जो लंबा गोरा छोरा के सागे रुपया भेजा है बांसू पप्पू को इलाज हो गयो है और पप्पू अब पूरी तरह ठीक हो गयो है पप्पू पूरी तरह ठीक हो गया हाँ अब बहुत बार पूछवा पर भी वो आपको नाम को नहीं बतायो लंबो सो छोरा गोरा सा पीछे वाला कौन हो गया काका लंबो सो गोरो सो पीसाणो संत कुमार है आपनो संत कुमार भाई बार बार शहर जाया कर तो संत कुमार तू फरिश्ता तुझे प्रणाम मुझे माफ करना संत कुमार तू फरिश्ता संत कुमार लेकिन मतलब थोड़ी कि दुख पावे कत्तो आकरो तावड़ो है चाल उठ भीतर चाल का थोड़ा सा आराम कर ले मैं मंगोड़िया भी को नहीं छूट सकूं के ना जी था से काम कराऊंगी तुम्हारे छोटे होने पे देख का आ रहे अच्छा बाबा तावड़ो ढला पीछे आप दोनों मिलकर मंगोड़िया छूट लेवा बस लेकिन अब तो उठ खड़ी हो नहीं तो जाना है ना मना उठ जाऊंगी जीजी पर मारी एक शर्त है बोल तेरी हजार शर्त मैं पूरी कर सकूं मंगोड़िया थैली चुटवाऊंगा अच्छा ठीक है
तू बोले जे कर लेगा बस चल उठ अब खड़ी हो चल थोड़ा सा भीतर चल बेटा बेटा मेरा बेटा माई थारो बेटो आएगो पूरे गांव ने विश्वास दो कि थारो बेटो शहीद हो गयो पर संत कुमार ने विश्वास हो कि थारो बेटो जरूर पाछो आवेगो देखो विश्वास जीत को माई थारो बेटो पाछो आएगो थारो बेटो पाछो आएगो माई संत कुमार जरूर भगवान को अवतार हो जरूर भगवान को अवतार हो सबके मन पे छा गई।